नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल शहडोल जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पंडित एसएन शुक्ला विश्वविद्यालय की तृतीय दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल ने छात्रों को 41 गोल्ड मेडल और 294 उपाधि प्रदान की, जिसके बाद राज्यपाल हरिगांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए, जहां उनका आदिवासी परंपरा में स्वागत किया गया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में सिकल सेल एनीमिया नामक अनुवांशिक बीमारी के संबंध में जानकारी देते हुए इसके उन्मूलन की दिशा में उन सबकी भागीदारी होना आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा ये बीमारी आदिवासी क्षेत्रों में पाई जाती है, इसलिए इन क्षेत्रों में वृहद स्तर पर जागरूकता की आवश्यकता है। राज्यपाल के साथ मंच पर भारतीय विदेश सेवा से सेवानिवृत्त विनोद कुमार, सांसद हिमाद्री सिंह, विधायक जय सिंह मरावी, मनीषा सिंह, शरद कोल सहित कई अतिथि मौजूद रहे। जो माँ बाप में होगा तो बच्चे में होगा होगा होगा। ये सारे दुनिया भर में सिकल सेल का है और ज्यादातर 95% ट्राइबल में है। अभी समझो घर में पेरेंट्स को मालूम नहीं हो तो बच्चे को कैसे मालूम पड़ेगा। इसमें मैं सिकल सेल को मैं अच्छी तरह आपको समझाने का मैं प्रयत्न करूंगा। जो अपने शरीर में लहू आता है बूंद, वो ऐसे हड्डी में से पास होता है सारे शरीर में, मगर जो सिकल सेल वाला होता है उनके ऐसा बूंद होता है, जब ये हड्डी में से पास होता है तभी वो फंस जाता है और वहां लाल जो है वो मर जाता है और श्वेत हो जाता है। और इसमें करीब करीब ये सिकल सेल लोग जो है जिसको हुआ है करीब करीब 21 जितने बीमारी उसमें से आती है। लहू पास होता है तो वहां पर्स हो जाता है तो हड्डी टेढ़ी हो जाती, पेट बड़ा हो जाता, मत्था बड़ा हो जाता, सारे शरीर में सूजन आ जाती। कई ऐसा भी है कि बच्चे एकदम पतले शरीर हो, शरीर में कुछ है ही नहीं दम, ऐसा हो जाता है। ये सब इसके लक्षण है। अभी माँ बाप में है तो बच्चे में आएगा आएगा आएगा। इसमें दो प्रकार है, डिसीज यानी रोग और दूसरा है वाहक यानी ट्रेड। माँ बाप तो है मगर माँ बाप को मालूम नहीं, कोई दवाइयां किया नहीं। अभी तो सरकार ने आयोजन किया है कि यहां मध्य प्रदेश के 20